इंदौर के लथुड़िया थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां महिला ने घर के सामने ही रहने वाले कारोबारी को अपनी बातों में उलझाया और फिर फोटो व सोशल चैटिंग के आधार पर उक्त महिला ने कारोबारी को प्रताड़ित कर 30 लाख रुपए की मांग की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लथुड़िया थाने पे कुछ दिन पहले एक अपराध, जून के महीने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एक महिला है उनके खिलाफ, जिसमें उनपे जो एक्सटॉर्शन का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उन्होंने पहले एक 376 का एक एफआईआर करवाया था, बाद में कुछ दिन बाद फिर उनके खिलाफ एक अपराध एक्सटॉर्शन का पंजीबद्ध हुआ था, जिसके मामले में वो अभी तक फरार चल रहे थे। पुलिस ने आज उनकी गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी उपरांत उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कोई वीडियो बनाकर ये महिला किसी को ब्लैकमेलिंग कर रही थी, इसी वीडियो के आधार पर जो लथुड़िया थाने पर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उसके संबंध में इनसे पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ करने उपरांत उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पैसों की मांग की गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ जो है ये एक्सटॉर्शन का एफआईआर कायम किया गया। सर, और कुछ एक शिकायतकर्ता के अलावा और कुछ लोग आए शिकायत लेकर इस तरह से? अभी तक तो और शिकायतकर्ता नहीं आए, लेकिन मैं प्रेस बंधुओं के माध्यम से बता दूं कि अगर कोई अन्य व्यक्ति भी इनसे पीड़ित हैं या इस तरह की कोई भी शिकायत हो, तो कृपया सामने आकर इस तरह की रिपोर्ट करें। पुलिस उनके खिलाफ बिल्कुल वाजिब कार्रवाई करेगी।